हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप ठाकरे और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल worthIAS पर। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी खबर अभी के लिए ये है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो सब्सिडाइज रेट में, बहुत कम रेट में जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, मतलब रेशन दुकान के थ्रू, जो बहुत पुअर पीपल है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है या फिर जो होमलेस पर्सन है, उनको बहुत ही कम रेट में जो है फूड ग्रेन 3 मंथ्स के लिए सप्लाई किया जाएगा। ये स्टेटमेंट जो है हमारे HRD मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने मतलब प्रेस में बताई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, हम थोड़ा इसका डिटेल जान लेते हैं। मैं हूँ मिनिस्ट्री के पेज पर और यहाँ पर बोला गया है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो वीट एंड राइस बहुत ही कम रेट पर, सब्सिडाइज रेट पर 3 मंथ्स के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि हमारे कंट्री में जो है कोरोना की वजह से 21 डेज जो लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए ये एक रिलीफ पैकेज की तरह देखा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हो रहा है अभी, एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारे लोग अर्न नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग अपने डेली वेजेस पर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, तो उनके डेली लाइवलीवुड्स वो अर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको फूड एंड अदर चीज़ों की काफ़ी दिक्कत जा रही है। तो सबसे मेन नीड तो हमारा फूड ही होता है, वीट एंड राइस एंड अदर वेजिटेबल्स वगैरह, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी भी कॉमन पर्सन के लिए, उसके डेली फूड वगैरह और नीड के लिए। तो हुआ क्या है फ्रेंड्स, 80 करोड़ पीपल जो है, जो ओवरऑल गवर्नमेंट ने देखा कि जो इकोनॉमिकली वीक है, जिनका इनकम कम है, जो होमलेस है या और कोई तरीके से वो अफेक्टेड है, तो वो ऑब्वियसली बहुत महंगा जो फूड है वो या ग्रेन्स है वो मतलब ये नहीं कर पाएंगे, मतलब वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 2 रुपीज़ केजी वीट, 2 रुपीज़ केजी राइस एंड 3 रुपीज़ केजी जो वीट है वो नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए देने का फैसला किया। हमारे इधर में अभी तक का जो लोवेस्ट रेट था वो 7 रुपीज़ पर केजी गेहूँ होता था और चावल 2 रुपीज़ पर केजी हुआ करता था, बट गवर्नमेंट ने इसको और सब्सिडाइज कर दिया। जो रेट मैंने बताया वो सबसे लोवेस्ट रहता था, जो तो दया या फिर वेरी मतलब बैकवर्ड जो कम्युनिटी रहती थी उनको इतने कम रेट पे दिया जाता था अभी तक के, बट ये नियर अबाउट जो हमारी 60-70% पॉपुलेशन है इनको प्रोवाइड करने का गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि जो सिटीज़न है बहुत पुअर है, ये पैकेज जो गवर्नमेंट ने ये जो पैकेज अनाउंस किया है, इसी तरह का मतलब इसी तरह का पैकेज जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस किया था कुछ दिन पहले, जो शेल्टरलेस एंड होमलेस पीपल है उनके लिए, उनको फ्री रेशन वगैरह प्रोवाइड करने की बात की थी, और ये उसी तरीके का है। जो पेंशन से 72 लाख पीपल है जो दिल्ली के मतलब रीजनल पीपल है जो वायरस से अफेक्टेड है उनको, और जावड़ेकर जी ने भी एक वैसा ही कुछ बेटर एक सोल्यूशन देखा है। निर्मला सीतारामन ने भी ऐसे ही टाइम में जो लॉकडाउन चल रहा है तो ऐसे ही कुछ पैकेज के अनाउंसमेंट की थी, और फाइनली जो है इसके ऊपर में वर्क अभी हो रहा है और ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो जस्ट कुछ ही दिनों में हमारे जो नॉर्मल रेशन दुकान है, जो छोटी शॉप्स वगैरह है, मतलब जहाँ पर रेशन बांटा जाता है विलेज लेवल पर, अर्बन लेवल पर, तो वहाँ पर इस टाइप के प्राइसेस में आपको फूड मिलने लगेगा। ये 3 मंथ के लिए वैलिड है, 3 महीने के बाद में आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज़ अभी तो 21 डेज का लॉकडाउन चल रहा है, इसके बाद में और कुछ एक्सटेंड होता है या और कुछ चेंजेस होते हैं तो फिर वो टाइम आने पर अपने को पता चल जाएगा। बट फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से तो ये अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट ने जो लिया है, बिकॉज़ इसकी काफ़ी नीड थी और जो कॉमन पुअर पीपल है उनके लिए जो है ये काफ़ी मतलब अच्छा हो गया, क्योंकि उनकी अभी अर्निंग बंद है, डेली वेजेस जो है उनको मिल नहीं पा रहे हैं और खाने की दिक्कत हो रही है उन लोगों को, तो ये बहुत अच्छा स्टेप्स है। सो वी शुड वेलकम इट। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड।